यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू जबरदस्त गेम प्ले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस गेम प्ले वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे न्यूलैंड अपनी न्यू व्हील सेटिंग के साथ, जिसमें कि दोस्तों अपना साइज इंक्रीज कर सकते हैं टायर्स का और एक बना सकते हैं एक बहुत ही जबरदस्त वाली लुक, और दोस्तों पोजीशन वगैरह भी सारा कुछ ए टू जेड टायर्स का चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज लग चुका है न्यूलैंड का नंबर और न्यूलैंड पर अपनी सेटिंग्स हो चुकी है अप्लाइड। तो दोस्तों आज देखेंगे अपन न्यूलैंड की लुक। तो भाई लोग वीडियो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इस समय जो अपना न्यूलैंड है वो एकदम रियल है, विदाउट मॉडिफाइड, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। कोई भी मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं है जो इस पर हुई हो। तो दोस्तों टायर साइज देख सकते हैं, वही है अपना 16 का और फ्रंट में 1016। लेकिन दोस्तों अपन फ्रंट को 1416 और बैक को 22 का या फिर 26 का कुछ भी अपन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन एकदम ब्रॉड वाली लुक करेंगे सेम ही रिम में, मतलब जो रिम इस समय दोस्तों उसी रिम में। ओके, तो भाई लोग अपन को सबसे पहले जाना कस्टमाइज में, और यहाँ से पहले तो व्हील्स में, और उसके बाद में दोस्तों साइज में। साइज में जाने के बाद दोस्तों फ्रंट टायर की विड्थ इंक्रीज करेंगे, और पहले फ्रंट का थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे और फिर विड्थ। तो दोस्तों देख सकते हैं, मतलब 14 के टायर हो गए फ्रंट ही, देख सकते हैं। देखो ये देखो, मतलब लग रहे हैं ना कि 14 के, मतलब बैक फ्रंट टायर एकदम लुक मस्त आ रही। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको फ्रंट वाले टायर दोस्तों कैसे लग रहे हैं, और इनकी लुक वगैरह आपको कैसी लग रही, बिल्कुल मस्त लग रही है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ओके, अब दोस्तों अपन बड़े वाले टायर डालेंगे, तो अपन को दोस्तों ज़रूरत होगी ज़्यादा, मतलब आगे से बैकग्राउंड की। तो दोस्तों अपन आगे डालेंगे ये वाले, मतलब मॉन्स्टर। तो दोस्तों मॉन्स्टर देख सकते हैं, मॉन्स्टर का साइज ये मतलब बड़ा ही साइज हुआ है, जितना अपन ने बड़ा उसका करा था उतना ही बड़ा इसका हुआ है। तो दोस्तों अभी इसका भी, मतलब बैक टायर का भी बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों व्हील्स में जाते हैं और यहाँ से साइज में, तो दोस्तों रियर का साइज अपन करेंगे 1.1। तो दोस्तों देख सकते हैं मरगार्ड से मतलब पूरा अड़ चुका है बिल्कुल, और साथ में दोस्तों इसकी विड्थ मतलब इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों इसकी विड्थ लेकर जाएंगे अपन 26, पहले 22 के बराबर लेकर जाएंगे और उसके बाद में 26 के। तो दोस्तों इस समय देख सकते हैं ये हो चुका है 22 के बराबर। तो दोस्तों लुक देख सकते हैं एकदम मस्त आ रही कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। दोस्तों बैक रियर सस्पेंशन थोड़ी सी उठा लेते हैं तभी मतलब लेवल आएगा। तो दोस्तों सस्पेंशन भी उठ चुकी है, और दोस्तों 22 के टायर के साथ लुक देखो, डीजे बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है, देख सकते हैं डीजे। और ये देखो इनके साथ लुक कैसी लग रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना 22 के टायरों के साथ एकदम मतलब अलग लग रही है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करके बताना। और भाई लोग मैं थर्ड एंगल कर देता हूँ, ये देखो थर्ड एंगल एकदम थर्ड एंगल हो चुका है, और थर्ड एंगल में देख सकते हैं मतलब फ्रंट टायर और बैक टायर मिल तो कॉम्बो सही रहे हैं और बिल्कुल बराबर भी है। और दोस्तों बैक टायर 22 के लग रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ओके, बाकी दोस्तों टायर एकदम तकड़े हैं और टायर की ऊंचाई भी मतलब एकदम बढ़ चुकी है। तो दोस्तों अब अपन करेंगे इसका लुक 26 के टायरों वाली। तो उसके लिए दोस्तों अपन को फ्रंट में डालने होंगे भाई लोग ब्लैक वाले डाल लेते हैं फ्रंट में। तो दोस्तों फ्रंट में ब्लैक वाले रिम वाले डालनी है टायर अपन ने, और दोस्तों ये वाले टायर कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि मतलब इनका साइज जो है वो दोस्तों विड्थ का फ्रंट वालों का कम कर देंगे थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ही हो रहा है, और इनका मतलब वैसा भी साइज फ्रंट वाला एक कम कर देते हैं। ओके दोस्तों अब करेंगे बैक की जो रियर जो मतलब विड्थ है वो थोड़ी चौड़ी, तो दोस्तों और ज़्यादा चौड़ी, तो 26 के बराबर हो चुकी है। तो अपन को अब जाना है पोजीशन में, क्योंकि दोस्तों टायर अंदर अड़ चुके हैं, ज़्यादा चौड़े हो गए ना इसी वजह से। ओके, तो दोबारा से ही अपन यहाँ से पोजीशन में जाकर दोस्तों यहाँ से अपन टायर को अंदर बाहर करेंगे बैक, तो बैक के मरगार्ड के उसके बीच में जगह कर देंगे। तो दोस्तों जगह हो चुकी है, और फ्रंट में भी हल्की सी जगह कर देंगे पहले से। तो दोस्तों ये देखो अब आइए एकदम ब्रॉड लुक, अब डीजे वगैरह लगा लेते हैं, मतलब अब बिना डीजे के अब कोई काम नहीं। तो दोस्तों डीजे भी अब लग चुका है, और फ्रंट में बम्पर भी कोई सा तकड़ा सा लगा लेते हैं ताकि मतलब एकदम सही सिस्टम मिले। तो दोस्तों बम्पर भी लगा लिया, और देख सकते हैं मतलब 26 के टायर के साथ लुक, ट्रैक्टर की मतलब लुक देखो, ट्रैक्टर ही कैसी बन रही है। दोस्तों फ्रंट से थोड़ा सा उठाना बाकी है, या फिर बैक से थोड़ा सा नीचा कर देते हैं ताकि मतलब एकदम सही मिले। और दोस्तों फ्रंट से अपन जरा सा उठाएंगे तो एकदम कॉम्बो बिल्कुल सही बन चुका है, लेवल बन चुका है ट्रैक्टर का, देख सकते हैं दोस्तों मतलब आगे से पीछे तक लेवल में टोटली। तो भाई लोग अब देखो लुक ट्रैक्टर की,
ये देख रहा हूँ मतलब कितने बड़े टायरों के साथ, और ये देखो कितना जबरदस्त लग रहा है दोस्तों घूमता हुआ। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर से बताना कि आपको ट्रैक्टर की लुक कैसी लग रही है, और दोस्तों इसको कल्टीवेटर पर भी चलाकर अपन देखेंगे तो दोस्तों स्पीड देख सकते हैं इसकी 8 की या 7 की स्पीड आ रही है, इतना ज़्यादा दब रहा है। और दोस्तों टॉर्क एकदम 7 का कुल आ रहा है, मतलब तो ओनली सिर्फ 7 का, और दोस्तों आगे से भी लुक देख सकते हैं मतलब एकदम धमाल लग रहा है दोस्तों, बेहिसाब चौड़ा और एकदम लुक तो एकदम काबिले तारीफ है ही। तो दोस्तों यही बताना कमेंट सेक्शन में आपको लुक कैसी लगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना सपोर्ट बनाए रखें, बाय बाय टाटा एंड लव यू दोस्तों। फ्रंट वाली इसकी सारी A to Z आगे से पीछे तक लुक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं दोस्तों ये भी बहुत ही जल्द मैं आप सभी को बताऊंगा, तो नोटिफिकेशन बेल सारे भाई ओपन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टाटा।